अस्सलाम वालेकुम। असमा किचन में खुश आमदीद। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार किस्म की खट्टी मीठी चटनी बना रही हूँ, पकौड़ों के साथ, चिप्स के साथ, आगे रमज़ान में मुबारक है, रोल के साथ, समोसों के साथ आप इसको खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और यमी बनती है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो फ्रेंड्स, वो व्यूज मेरे, फटाफट मेरे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के बटन को क्लिक कर लें, ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप लोगों के पास आए। बहुत शुक्रिया। शुरू करते हैं, रेसिपी की तरफ चलते हैं। हाफ के जी के करीब मैंने स्ट्रॉबेरी ली है। स्ट्रॉबेरी को साफ़ करके मैंने रख लिया है। इसको मैं एक मिक्सी जार के अंदर इसको मैं बिल्कुल ब्लेंड कर लूँगी। 4 टीस्पून चीनी के लिए 2 चुटकियाँ मैंने नमक की ली हैं। 1/2 टीस्पून अदरक का मैंने पाउडर लिया है। 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर लिया। बहुत ही टेस्टी और चटपटी सी ये चटनी तैयार होने वाली है। स्ट्रॉबेरी को एक मिक्सी में डाल के मैंने इसको ब्लेंड कर लिया है। ये भर के इसको चटनी को आप रख सकते हैं सेव करके, और रमज़ान मुबारक आगे आ रहा है, आप इसके अंदर इस्तेमाल करें, ये ख़राब नहीं होगी। स्ट्रॉबेरी को हमने एक पैन में डाल के बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रख दिया है। बिस्मिल्लाह। स्ट्रॉबेरी पकने लग गई है, इसमें मैं चीनी शामिल कर दूंगी। चीनी पकनी शुरू हो गई है और बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। इसमें हम अदरक का पाउडर डालेंगे 1/2 टीस्पून, नमक 2 चुटकियों के करीब डालेंगे। चटनी हमारी तैयार होने वाली है। काली मिर्च पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगी। स्ट्रॉबेरी खट्टी मीठी चटनी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको डिश आउट करके दिखा। मज़ेदार स्ट्रॉबेरी की खट्टी मीठी चटनी तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है। मेरा चैनल अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।